होशंगाबाद जिले के तहसील डोलरिया में ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी सरपंच कोई सुनवाई नहीं कर रहे। ग्राम पंचायत तल नगरी प्रशासन एवं ग्राम सरपंच सचिव की बड़ी लापरवाही सामने आई। बिजली पानी एवं नाली की समस्या। सरपंच श्रीमती मायाबाई, प्रमोद जी सचिव, श्री प्रभु दयाल जी, रिपोर्टर प्रवीण गौर, कैमरामैन विश्वजीत गौर डोलरिया की रिपोर्ट। यहाँ की टंकी बंद करवाई, पानी सप्लाई की सत्यवाद में कुछ चलाता हूँ, पैसे नहीं देता, उठा के बंद कर दे। मेरे पास 1.5 साल के पैसे नहीं मिले, मैंने उठा के बंद कर दे। महीने में कभी लाइट आती है 15 दिन चलता, कभी 20 दिन चलता, कभी नहीं आती। आज एक महीने से बंद पड़ी है टंकी। आपने सरपंच सचिव की कंप्लेंट की थी? आप प्राइवेट हो या शासकीय? आपको वर्कर के रूप में रखा है यहाँ देखभाल जी भाई, धन्यवाद। यहाँ पर नहीं बंद हो रही दारू, बार बार कार्रवाई करने के बावजूद भी यहाँ पर लोग बहुत ही परेशान। नशे में लोग आकर घर महिलाओं को मारते पीटते, यहाँ का वातावरण बहुत ही ज्यादा बिगड़ते जा रहा है। क्या अम्मा जी आप कुछ कहना चाहते हो कि ये दारू बंद नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? दारू पकड़ लाई, यहाँ पे क्या ठेका है? ठेकेदार देखे जाते हैं, ठेकेदार पेटी देखे जाते हैं। मैं फोन लगाया था सर, वहाँ से भोपाल से पुलिस भी आई थी। उस वक्त पुलिस आई थी तो डायरेक्ट ठेकेदार ने फोन लगा दिया यहाँ ताल नगरी में, ये दारू है उसके पास, तो उसने दारू लुका दी। पुलिस आई मेरे से बोला कि लग दारू कहाँ है सर, दारू नहीं मिली तो मेरे को मुजरिम अरेस्ट कर लिया है ना जी। देखो ये मध्य प्रदेश में ताल नगरी और आधे घंटे बाद वहाँ पर दारू बिकी कि यहाँ दारू बिक रही दिन दहाड़े, और सूचना देने पर ठेकेदार पुलिस वालों को घूसखोरी कर यहाँ दारू को छुपा दिया जाता है और ग्रामीणी को झूठा ही दर्शाते हैं। तो भाई साहब आपने कितनी बार कंप्लेंट की है? सर मैंने एक बार की थी तो सर उसमें ही मेरे को 2000 क्वार्टर पड़े अभी खाली। आप लोग दारू पीते हो? नहीं पीता हूँ। 6 बार पकड़ा चुकी। तो आपको किस प्रकार से पकड़ा? छोड़ जाते हैं। क्यों पकड़ा आपको? आप जब दारू नहीं पीते हो तो आपको क्यों पकड़ा? सर मेरे मतलब दारू यहाँ पर मिली नहीं, मतलब मैंने शिकायत की थी तो यहाँ पर जो पुलिस आई थी उसने उसको दारू मिली नहीं, तो इसलिए मेरे को मुजरिम ठहरा दिया। आपने आगे दारू अब पकड़ना क्या क्वार्टर भरे क्वार्टर से ये खुद दो पेटी पकड़ी थी, दो पेटी तुम्हारे जेब में बंद करके रख लो, ये अब भी दारू की फोटो चाहिए तो लेते हुए खिंच जाएगी फोटो ये सही सामने। भाई भाव ये कहना है, यहाँ लोगों का ये कहना है आने से पुलिस आती है, आने के बाद दारू यहाँ से ले जाती है और ले दारू बंद करवा सकते हो, आपके सामने दारू करवा दे तो आप बंद करवा सकते हो क्या? अभी तक दारू बंद नहीं हुई, बिक रही है, दंदाड़े बिकती है, रात में बिकती है, उसके लिए क्या कार्रवाई? सब कुछ किया सर, लेकिन कोई वो ही नहीं आई। मामला क्यों करा गया? भाई साले भी ऐसे हो गए, बुरी हो गए। तो आपके घर में जो बच्चे बुजुर्ग जो दारू पीते हैं उनसे आपने मना बोली? मोनी बोली नहीं किया, बोल लगाया बोली तो पिटाई नहीं पड़े। जनपद पंचायत सदस्य श्री सर आपका नाम जी? श्रीमती जी आपका नाम? गायत्री चौधरी। आप इस जिला जनपद पंचायत के सदस्य, आप मतलब यहाँ लोगों की कुछ समस्याएं हैं तो यहाँ पे निराकरण नहीं हुआ है, इन्होंने आपसे बोला था पैसे नहीं मिलता हमारे यहाँ, नल चल रहा है, नल जल योजना बंद पड़ी हुई है। बात तो भाई साहब आपकी क्या समस्याएं हैं? भाई साहब हमारे यहाँ अभी तक शौचालय नहीं बनी जी, तो कहाँ से रुकावट आ रही है? सर पंचायत से आ रही है। पंचायत से जनपद संघ मतलब जो सदस्य हैं जैसे ये अम्मा, उनको आपने कंप्लेंट की थी या शिकायत की थी? जी मुखबरी बोला था। तो इन्होंने आपकी कोई समस्या का समाधान किया? नहीं किया। क्या कारण है कि आप इन लोगों ग्रामीण लोगों की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे?
आपने मतलब ये पद लेके बैठे हो तो आप आगे तक क्यों कार्रवाई नहीं कर सकते? कर सकते हम कर सकते हो पर किया नहीं करी थी कब की तो अभी तक कोई रिजल्ट क्यों नहीं आया? तो आप उसके पीछे लगे थे तो आप थोड़ा बता सकते हैं इस विषय में कि आप ग्रामीणों की कोई सेवा नहीं कर पाए? ग्रामीण की सेवा तो वैसे है, देखो शौचालय वाली बात है भैया ने कहा, ये क्या प्रधानमंत्री ने योजना बंद करवा दी क्या? नहीं अभी नहीं है। तो आपके ग्राम के सचिव सरपित ने यह बोला कि मुख्यमंत्री आवास और ग्राम में जो शौचालय जो बन रहे हैं उनकी सारी योजनाएं बंद हो गई। बंद हो गई ये इसी ग्राम पंचायत में हुआ या सभी जगह हुआ क्या आप बता सकते हो? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना आवास तो है खत्म हो चुकी है, वो नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास कर दिया है, पर ये योजना तो है गांव में, ग्रामीण में योजना है जी। तो इस योजना के अंतर्गत किसी ग्रामीण को लाभ क्यों नहीं है अभी तक? नहीं तो अभी अपने तालनगरी पंचायत में मिनिमम कम से कम 65 फार्म भरे थे मुख्यमंत्री आवास के, तो अपने यहाँ कम से कम 50-40 नहीं, मकान नहीं, तो बन गए हो? नहीं नहीं बने, प्रधानमंत्री आवास नहीं बने, मुख्यमंत्री आवास यहाँ पर कोई भी मकान प्रधानमंत्री आवास जो है अपने यहाँ शायद एक इस ग्राम की आबादी के तहत करीबन इस गांव की आबादी कितनी है? आबादी तो लगभग 1,500-2,000 है। 1,500-2,000 में सभी निम्न वर्ग के लोग हैं, सभी वर्ग तो यहाँ सभी गरीब लोग हैं। हाँ, निम्न वर्ग तो सभी ने यहाँ पर एप्लीकेशन दिया था? एप्लीकेशन पंचायत में दिया हो, इन कौन कौन ने हमीर ने पंचायत में दिया, सचिव आता है, सचिव आता है, कागज का नाम सर चार बार दे दिए, चार बार में आपने चार बार दिए, चार बार दे दिए, चारों बार मेरा मना बोल दिया कि आपका अभी इस बार बंद हो गई योजना, अगली बार आएगी तब करेंगे। और ये शौचालय के लिए भी बोला, हमारे परिवार चार परिवार है, हमारे पापा चार भाई है, चारों अलग है, चारों के लड़के बड़े बड़े हैं, सबकी शादियाँ हो गई, इसके बाद में एक भी नहीं बनी अभी तक, हमारा शौचालय एक भी नहीं बना, शौचालय भी नहीं बना, यहाँ पे आवास भी नहीं है, किसी का नाम नहीं है। चार में से हम 15 लोग हैं, सदस्य हैं, उसके 15 में से एक का भी नाम नहीं आया अभी तक। एक बार नाम चाचा का आया तो सचिव साहब बोलते हैं इनका नाम तो ऊपर से ही कट गया, नाम आने के बाद भी पैसा नहीं मिला और कोई जानकारी नहीं देते वो लोग। तो इस ग्राम ताल नगरी के सचिव सरपंच का कहना यह